हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो क्या आप भी इस प्रकार की फोटो एडिटिंग करना चाहते हैं? तो चलो, ये फोटो एडिटिंग बहुत ही इजी होती है और ये लाइट रूम से अपन फोटो एडिटिंग करेंगे। तो चलिए लाइट रूम में चलते हैं। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को जरूर लाइक कर दो। हम आ चुके हैं हमारे लाइट रूम ऐप के अंदर। तो आपको सिंपली जो प्लस वाला आइकन दिख रहा है, इस पर क्लिक करके आपको सिंपली अपनी फोटो लाइट रूम में इंपोर्ट कर लेनी है। फोटो इंपोर्ट करने के बाद में आपको सिंपली वो फोटो पर टैप करना है। वो फोटो पर टैप करने के बाद आपको सिंपली जो लाइट वाला ऑप्शन दिख रहा है, जो सन बन रखा है, इस पर क्लिक करना है और अपनी फोटो में लाइट को एडजस्ट करना है। तो इस फोटो में थोड़ा सा एक्सपोजर है ना, बढ़ा के रखूँगा। कॉन्ट्रास्ट को भी हल्का सा, मतलब 23 के अप्रोक्स रखूँगा। हाईलाइट्स कम करनी है, शेडोज भी कम करनी है, वाइट को भी अगर थोड़ा सा कम करना है और ब्लैक को भी थोड़ा सा कम करना है। सिंपली इतना करने के बाद आपको जो मिक्स वाला टूल है इसमें जाना है। इसमें जाने के बाद में जो टेम्परेचर है इसको आपको बढ़ाना है, मैं 8 रखूँगा, और टिंट को आपको कम करना है और वाइब्रेंस को 20 के अप्रोक्स। सिंपली इसका करने के बाद आपको जो ये कोने में मिक्स वाला टूल दिख रहा है, इसमें जाना है। इसमें जाने के बाद जो लास्ट वाले कलर है, स्टार्टिंग के दो कलर को छोड़ के जो लास्ट वाले कलर है, सबसे लास्ट वाले कलर पर जाना है और टेप करना है। टेप करने के बाद आपको इसकी हुक को बिल्कुल कम कर देना है और सैचुरेशन को बिल्कुल कम कर देना है। बाकी कलर के साथ ऐसा ही करना है, हुक को कम करेंगे और सैचुरेशन को भी कम करेंगे। आप देख सकते हो अपनी फोटो में काफ़ी अच्छा, मतलब एक ग्रे टोन आ चुकी है। आप देख सकते हो अपनी फोटो में काफ़ी अच्छी ग्रे टोन आ चुकी है। अब आपको सिंपली जो स्टार्टिंग के दो कलर जो स्किन के कलर होते हैं, आपको सिंपली इनको बैलेंस करना है। हल्का सा मैं हुक को बढ़ाऊंगा, सिचुएशन को कम करूंगा, ल्यूमिनेंस को हल्का सा बढ़ाऊंगा। इसमें मैं हुक को बढ़ाऊंगा, सिचुएशन को हल्का सा, सिचुएशन को बढ़ा देते हैं और ल्यूमिनेंस को भी हल्का सा 3 के अप्रोक्स रखना है। तो आप देख सकते हो अपने जो फोटो है उसमें काफ़ी अच्छी टोन आ चुकी है। इतना करने के बाद आपको सिंपली डन पे क्लिक कर देना है। डन पे क्लिक करने के बाद आपको नीचे एक और ऑप्शन दिख रहा होगा, ये वाला टूल के नीचे। तो आपको क्लियरिटी को हल्का सा बढ़ाना है, 10 के अप्रोक्स रख लेना है, और टेक्सचर को भी बढ़ाना है, 8 रख लेता हूँ, और डीएच को भी आपको बढ़ाना ही है। और जो इसमें ये ग्रेन वाला ऑप्शन है, ग्रेन को आपको 2 से 3 के अप्रोक्स रखना है, मैं 2 कर लेता हूँ। और जो ये वाला ऑप्शन है आपको सिंपली इसको डिक्रीज करना है, मैं 29 के अप्रोक्स रखूँगा, और मिड को भी आपको, मिड पॉइंट को भी हल्का सा, मतलब ज़्यादा नहीं, हल्का सा डिक्रीज करना है, और हाईलाइट को हल्का सा बढ़ाना है। इतना करने वाले अपनी फ़ोटो में काफ़ी अच्छी टोन आ चुकी है। अब आप फिर फोटो देख सकते हो जो ग्रे टोन है। अब अगर आप इस फोटो में ब्लू टोन, हल्की सी ब्लू टोन ऐड करना चाहते हो, तो सिंपली आपको जो ये वाला मार्क्स वाला ऑप्शन दिख रहा है इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने वाले प्लस वाले आइकन पर क्लिक करना है। प्लस वाले आइकन पर क्लिक करने वाले आपको सिंपली जो सब्जेक्ट को सिलेक्ट स्काई का ऑप्शन दिख रहा है, उस पर क्लिक करना है और आपको 1 सेकंड तक वेट कर लेना है। 1 सेकंड वेट करने के बाद आपका जो मतलब जो स्काई सिलेक्ट हो जाएगा, और आपको फिर कलर वाले ऑप्शन में जाना है। कलर वाले ऑप्शन में जाने के बाद आपको टेम्परेचर को थोड़ा सा डिक्रीज करना है, ज़्यादा नहीं, मतलब थोड़ा सा। तो अपनी फोटो में काफ़ी अच्छी टोन आ चुकी है। अब आफ्टर बिफोर देख सकते हो अपनी फोटो में ग्रे टोन ऐड हो चुकी है। तो ये एक काफ़ी ईजी स्टेप है जो आप बहुत ही ईजीली सीख सकते हो। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दे, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर। थैंक यू।